हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन एंड माय नेम इज नवीन कुमार और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पार्ट 2.2। अब आज के पार्ट में हम देखेंगे मोल मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हो पाया था और इसके बाद एक और रहेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर। ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बायोप्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो चलिए समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। तो आपको पता है कि वन मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आपको पता है कि जो एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल होते हैं वहां पर आपका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एटम्स का नंबर और मॉलिक्यूल्स का नंबर काउंट करेंगे तो वो तो बहुत छोटे होते हैं, तो दैट मीन्स हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए थी जो इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करने में हेल्प कर सके। वो एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, जो हमें मिली है, दैट इज 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 × 10³³। ठीक है, ये आपका हो गया 1 मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये बताता है कि इतने एटम्स या फिर इतने मॉलिक्यूल्स या फिर इतने आयंस, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयंस। ओके, यहां तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। नाउ ये तो डेफिनेशन है, इसमें हम नहीं जाएंगे और डायरेक्ट बात करते हैं इसका जो यूनिट है इसको ग्राम मोल, जैसे कि अभी आपने देखा भी था, ठीक है, जब फंडामेंटल यूनिट्स ऐसा यूनिट बेस यूनिट देख रहे थे हम ऐसा यूनिट्स, तो वहां पर आपने देखा था कि मोल जो है आपका एक ऐसा यूनिट है और इसका जो यूनिट रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राम मोल या फिर जी मोल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत ईजी है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास किसी भी कंपाउंड का मास, ठीक है, और मोलर मास जो है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको अलग तरीके से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने आप से फाइंड आउट करने की। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है कार्बन से लेते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 ग्राम कार्बन है मेरे पास, ठीक है, कार्बन चार किसी भी फॉर्म में है, 12 ग्राम कार्बन है मेरे पास। मुझे पता करना है कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं कार्बन के, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो दोनों ही चीजें फाइंड आउट करते हैं। चलिए दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। एक और लेते हैं, मेरे पास 18 ग्राम वाटर है और मुझे ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और एक लास्ट लेते हैं, 180 ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास और मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के। तो अगर आप अगर मुझे आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो इसका जो इन सब का आंसर एक ही, ठीक है, इन सभी का आंसर एक ही है, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आंसर है आपका 6.022 × 10³³। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम है कार्बन के, इतने एटम्स है कार्बन के। फिर कोई मुझसे पूछे 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो मैं यहाँ पर फिर से ये नंबर लिखूंगा 6.022 × 10³³। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कोई मुझसे पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो क्योंकि एक ये जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तो मुझे इस नंबर के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन एटम निकल जाएंगे। 18 ग्राम वाटर में कोई मुझसे पूछे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरा आंसर फिर से ये होगा 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है,
और इसमें पूछे ग्लूकोज में कितने हैं तो भी मेरा आंसर यही रहेगा। आपको पैटर्न बहुत क्लियरली दिख गया होगा, विजिबल हो गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, वन मोल, वन मोल, वन मोल, ये क्या है, वन मोल, वन मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, वन मोल वाटर मॉलिक्यूल। वन मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या पैटर्न नजर आया आपको, आपको ये पैटर्न नजर आया कि 12 ग्राम आखिर है क्या, ये 12 नंबर आया कहाँ से, ये 32 नंबर क्या है, क्या ये मैंने रैंडमली लिख दिए हैं या इसका कोई पीछे इसका कोई स्पेसिफिक रीजन। अगर आप आपको वैसे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये है क्या, ये आप पे इनकी मास है, क्या है इनका मास है, 12 ग्राम किसका मास है, कार्बन का मास है, 12 ग्राम तो नहीं होता कार्बन एटम का मास, लेकिन 12 इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। ऑक्सीजन का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना होता है 32। वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होता है 18। ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना होता है 118। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये जो इसका जो इनके मॉलिकुलर मास है या फिर एटॉमिक मास है उसको अगर हम ग्राम से रिप्रेजेंट करें, किस में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो उसके अंदर आपके कितने एटम्स मिलेंगे आपको या कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दैट विल बी 6.022 × 10^23, दैट इज 1 मोल। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो 12 है वो इसका एटॉमिक मास है, 32 इसका मॉलिकुलर मास है, 18 इसका मॉलिकुलर मास है, 180 इसका मॉलिकुलर मास है, ठीक है। तो या तो दैट मींस कि मॉलिकुलर मास को या एटॉमिक मास को हमने किस में लिखा है, ग्राम में। तो ये जो मैंने 12 ग्राम लिखा है ना बच्चों, यही है इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन, क्या है ये, मोलर मास ऑफ कार्बन। और 1 मोलर मास ऑफ कार्बन में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल। कहने का मतलब यह है कि मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। मोलर मास का मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास दैट इज 12 ग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना होता मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए, बस उसके जो एटॉमिक वेट है या जो अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल का जो वेट है उसको बस किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा अब अच्छा और नहीं बता पाऊंगा मैं, वापस आ जाते हैं। तो मास, तो जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल कि 360 ग्राम ग्लूकोज है और आपको आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के, आपको ये बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो मास हमें गिवन है कितना दिया है 360 ग्राम। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, अभी बताया मोलर मास जो 1 मोल का होता है, और वो किसके में होता है, जो उसका मॉलिकुलर मास है ग्लूकोज का उसको आप ग्राम में लिख दीजिए, कितना होता है 180 होता है ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास, तो 180 को उसमें मैंने ग्राम में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 2। तो यूनिट क्या आएगी, 2 ग्राम मोल, क्या आएगी, 2 ग्राम मोल, ठीक है। 2 मोल लिख लीजिए, 2 ग्राम मोल लिख लीजिए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है सपोज, ठीक है। तो ये ग्राम मोल भी लिख सकते हैं, मोल भी लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और एक्चुअली इसको ग्राम मोल इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि मोलर मास की यूनिट है, मोलर मास की क्या है, यूनिट है, मोलर मास की क्या यूनिट है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड हैज अ डायमेंशन Mn-1। तो मोलर मास की डायमेंशन है, फिर क्या है इसकी डायमेंशन, एम रिप्रेजेंट करता है ग्राम को और ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसको लिखते हैं ग्राम मोल -1। तो मोलर मास को इस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख करके। जैसे ग्लूकोज का लिखना है तो मैं ग्लूकोज को लिखूंगा 180 ग्राम पर मोल, ये लिखा मैंने। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, ये मैंने यहाँ पे यूनिट गलत लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास क्या बताता है कि 1 मोल में कितने ग्राम,
एक मोल में 180 ग्राम। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और ये पर मोल है तो ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, तो 2 मोल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों का अभी क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है होगा आप लोगों को, क्लियर। फिर ये आपका है मोल कॉन्सेप्ट का ही थोड़ा सा आगे है मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स आपको पता चल गया कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जैसे कोई मेरे पास मिक्सचर है ए और बी और सी का, तो अगर मुझे ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले ए के मोल्स को ऊपर लिखूंगा और जो इन तीनों के टोटल मोल्स हैं उनको मैं नीचे लिखूंगा, दो डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन बहुत ईजी है निकालना, ए बी सी का मिक्सचर है, अगेन ए का मास मैं ऊपर रखूंगा और इन जो तीनों का मास है उसको नीचे रखूंगा और से आ जाएगा मास फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन भी सेम है, ए बी एंड सी ये सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे होंगे तो ए का वॉल्यूम मैं ऊपर लिखूंगा और ए बी सी तीनों का टोटल वॉल्यूम मैं नीचे लिखूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये तो था मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं मोल परसेंट, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, कैसे, मल्टीप्लाई 100। इसमें ही इन्हीं में क्या करना है, इन सब फॉर्मूलेज में अगर आप, मैं मल्टीप्लाई 100 कर दूं तो ये मुझे क्या दे देंगे, मास परसेंट दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे निकालना है मोल परसेंट, तो मोल परसेंट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 की। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे निकालना है मास परसेंट, तो मास परसेंट इक्वल टू 100 इंटू मास फ्रैक्शन और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे भी इस तरीके से वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू 100 इंटू। हमेशा याद रखिए जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहे हैं, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। एक बार ये बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो बस हमें फिर जो चीजें हैं वो पढ़नी है मेन में। फ्रैक्शन हमेशा किसमें से निकलता है, 1 में से, फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन जो है हमेशा 1 होगा टोटल, और जो परसेंटेज है वो टोटल होता है 100, ठीक है। परसेंटेज 100 हो सकती है टोटल और फ्रैक्शन हमेशा 1 हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन 1 में से निकाला जाता है और परसेंटेज 100 में से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई चीजें हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5, ठीक है, ये है हमारे पास, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका फ्रैक्शन निकालना है। मुझे, मेरे पास ये ए है जिसकी वैल्यू 2 है, बी और सी, तो मुझे क्या निकालना है, ए का फ्रैक्शन निकालना है। तो ए का फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, टोटल 3, 2, 5 और 10 हो गया, तो 10, तो फ्रैक्शन आ गया 0.2। इसी तरीके से 3, बी का अगर मैं निकालूँ, बी का कितना फ्रैक्शन है, बी जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें ए ने जो है 2 लगाए हैं, 2 रुपीज़ लगाए हैं, बी ने 3 लगाए हैं, सी ने 5 रुपीज़ लगाए हैं, ठीक है, तो उसमें मुझे ए का फ्रैक्शन लगाना है कि ए ने कितना, ए का कितना फ्रैक्शन है उसमें से टोटल में से, तो 1 में से ए का कितना फ्रैक्शन है 0.2, बी का कितना फ्रैक्शन है 0.3, सी का कितना फ्रैक्शन है 5/10, तो बाकी भी 0.5, तो ये इनके फ्रैक्शन है। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, क्योंकि फ्रैक्शन का टोटल हमेशा क्या होता है 1, तो दैट मीन्स 1 का 0.2, तो 0.2 है ये, टोटल फ्रैक्शन 1 था उसमें से 0.2 जो है ए ने लगाया है, 0.3 बी ने लगाया है और 0.5 सी ने लगाया है। 0.2 का मतलब हो गया 20% लगाया है इसने, 0.3 का मतलब हो गया इसने 30% लगाया है, और 0.5 का मतलब हो गया इसने 50% लगाया है। कैसे फाइंड आउट किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि इसको 1 को 100 कैसे बनाया जा सकता है, 1 को 100 100 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो फ्रैक्शन को बस परसेंटेज में करने के लिए 100, तो इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 100%, क्लियर है। तो ये परसेंटेज और फ्रैक्शन का याद रखिए कॉन्सेप्ट, ये आपका फिर एक क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर खुद से अटेम्प्ट कर लेना। सॉल्यूशन दिया है 30 वेट परसेंट, 25 वेट परसेंट, देखिए वेट परसेंट हो या मास परसेंट हो तो ये आप उसको मास की तरह समझ सकते हैं कि ये मास परसेंट है, ठीक है। तो मास परसेंटेज अभी मैंने आपको बता दिया है, वॉल्यूम और फ्रैक्शन परसेंट फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। 15 वेट परसेंट मेथनॉल है, 12 वेट परसेंट ग्लिसरॉल है, 10 वेट परसेंट एसिटिक एसिड है, 8 वेट परसेंट है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे,
अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। अब परसेंटेज दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या करूं मैं यहाँ पे, ये आप देख लेना क्या करना है, ठीक है? और उसे आप आंसर आ जाएगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, मोल मास परसेंट। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आपको दिया है मास परसेंट, मास परसेंट आपको गिवन है लाइक दिस कि 40% वेट बाई वेट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 40% वेट बाई वेट, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। सॉल्यूशन है किसका? सुक्रोज का। वाटर में कंसंट्रेशन क्या है? 40% वेट बाई वेट। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 40 ग्राम अगर मेरा सुक्रोज है तो 100 ग्राम जो है मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है? 40 ग्राम सुक्रोज। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 किलोग्राम सुक्रोज में और 100 किलोग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है? और तो क्योंकि आप देख सकते हैं इसको जब भी आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर क्या आएगा? 40% ही आएगा, ठीक है? तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। तो अगर आपको ये चीज़ पता है, या आपको पता होना चाहिए मतलब कि किस तरीके से आप उनको लिख सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप उनको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंट का भी सेम है, अगर आपको वॉल्यूम परसेंट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे नोट दिया है वॉल्यूम परसेंट, कहाँ दिया है मैंने वॉल्यूम परसेंट, ये दिया है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो दैट मीन्स क्या है, 30 ml अगर कोई चीज़ है तो सोल्यूशन कितना होगा आपका, 100 ml होगा, ठीक है? इसी तरीके से आपने 30 cm³ की बेसिड, तो सॉल्यूशन कितना लिया है, 100 cm³। इजी क्लियर है? तो ये आपका कंसंट्रेशन का चल रहा है अभी, कंसंट्रेशन कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, फिर है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो आपको पता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी इज मोल पर यूनिट वॉल्यूम में भी लीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोल को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है, ग्राम मोल से रिप्रेजेंट किया है, मोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं तो मोल से MOL ही लिखता हूँ, बट बुक में ग्राम मोल दिया है दौरान में, तो आप इसको यूज कीजिए। और ये पर लीटर, तो पर लीटर जब होता है ग्राम मोल पर लीटर, ये क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले ही बताया था, अभी दोबारा से। तो यहाँ पे क्या होता है, मोल्स बाई मोल्स ऑफ जो भी आपका कंपोनेंट है, मोल्स ऑफ ए बी सी जो भी है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? तो ये आपको मोलैरिटी होता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये यूनिट हमारे काम की नहीं है, हम लोग विदेश में नहीं है, इंडिया में हमारा ये KGS यूनिट चलता है, ठीक है? ऐसा यूनिट को हम फॉलो करते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये था मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी तो होता है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, डेंसिटी। तो ये भी क्या है, एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर आपका एक और तरीका है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन जो है इसी तरीके से, जैसे वॉल्यूम परसेंट आपने देखा, मास परसेंट देखा, इसी तरीके से ppm है। ppm में क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई लिखता है 20 ppm, तो ppm का होता है पार्ट पर मिलियन, यानी कि अगर आपने 20 ग्राम लिया है, आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगनीज लिया है, मैंगनीज लिया है, तो जो आपका टोटल सॉल्यूशन होगा ना, वो क्या होगा इसका, मतलब वो आपको मिलियन में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, मिलियन में। तो 10^6 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है? ये उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो कि बहुत ही कम फ्रैक्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो 20 ग्राम, तो यहाँ पे तो क्या कर रहे थे हम, 100 100 ले रहे थे जब परसेंट की बात कर रहे थे, तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने 100 से यूज किया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 100 लिया है, बट यहाँ पे क्या है, मिलियन लिया है, तो पार्ट पर मिलियन है, तो भाई मिलियन से ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस और कुछ नहीं है, बिलियन लिखे तो बिलियन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बच्चों आपकी बाकी कंसंट्रेशन यूनिट है, जैसे कि मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता ही है, ग्राम मोल पर लीटर। और यहाँ पे इसको आपको मैंने जैसा बताया था कि इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1M। फिर आता है बच्चों आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो ग्राम मोल ही होता है, बट यहाँ पे पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट होता है, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। और ये मास है, क्या है, मास।
इसका फायदा ये होता है कि मास जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। बाकी जहां जहां आप कंसंट्रेशन निकालेंगे वहां पे वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से। तो दैट मीन्स मोलैलिटी जो है एक ऐसी यूनिट है जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है। फिर आता है बच्चों नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एसिड और बेस के लिए यूज करते हैं। और इसको यूज क्यों करना पड़ता है इसको मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से कि ये जैसे कि एक एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया हुआ है वो है HCl का। तो HCl बच्चों जब डिसोसिएट होता है तो वो देता है H+ + Cl-। दूसरी तरफ जब ये आपका H2SO4 डिसोसिएट होता है तो ये आपको देता है 2H+ + SO4-। ठीक है, अब बात ये है कि इनकी मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी तो मोलैरिटी दोनों की क्या है? अगर मान लीजिए इसके भी मोलैरिटी 1 m है और इसकी भी मोलैरिटी 1 m है, मोलैरिटी क्या है? 1 m। ठीक है, बट द थिंग इज कि मोलैरिटी तो 1 m है जो कि हो गया आपका 1 mol/L, 1 mol/L, ये भी, और ये भी क्या है, 1 mol/L का सॉल्यूशन है। बट द थिंग इज कि 1 mol, इसका 1 mol और इसका 1 mol में डिफरेंस ये है कि इसका 1 mol सिर्फ 1H+ आयन देता है, इसका जो 1 mol है वो 2H+ आयन देता है। और एसिड और बेस के जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है पीएच। ठीक है, पीएच क्या है? हाइड्रोजन जो है आयन्स उसकी कंसेंट्रेशन के लिए मेजर करता है कि कितना ज्यादा है पीएच। ठीक है, तो अब क्योंकि पीएच का रोल एसोसिएटेड है H+ आयन्स के साथ, दैट मीन्स कि मोलैरिटी यहाँ पे वेस्ट हो गया, मतलब मोलैरिटी को हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 1 mm, यहाँ पे भी 1 m शो कर रहा है, यहाँ पे भी 1 m शो कर रहा है, यानी कि 1 mol इसके, 1 mol क्या है बच्चों, नंबर होता है, याद रखिए। तो 1 mol इसका और 1 mol इसका, लेकिन जब इससे हम बनाएंगे एसिड का कोई सॉल्यूशन तो वहां पे 1 ही H+ आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे 2H+ आयन मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला लेस एसिडिक होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें एक ऐसी कोई चीज चाहिए, दूसरा हमें फॉर्मूला चाहिए जो कि हमें दोनों को इक्वली हमें बता सके कि दोनों में इक्वल H+ आयन है। वो कैसे हम पता करेंगे? तो उसके लिए हमें एक नॉर्मेलिटी हम यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि दोनों में H+ आयन के कैसे इक्वल, मतलब H+ आयन के अकॉर्डिंग बताता है हमें, H+ या फिर OH-। बेस की बात करेंगे तो OH-। तो नॉर्मेलिटी होता है आपका मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यही है कि आपका डिसोसिएट होने के बाद कितने आयन्स आपको मिल रहे हैं, या तो H+ के या OH- के बेस के केस में। तो हमारे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 मोलैरिटी सोल्यूशन है और हमें कितना मिला है, 1 ही H+ मिला है, तो 1, तो यहाँ पे कितना आया सोल्यूशन, ये आया 1 नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें कितना मिलेगी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हमें यहाँ पे मिलेगी 1 mol है, यहाँ पे भी 1 मोलैरिटी है सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं यहाँ पे, 2 हमें मिले हैं, तो 2 समझ लेंगे, तो दैट इज 2 नॉर्मल। इसकी भी यूनिट है वो मैंने आप लिखी नहीं, बट इसको हम डायरेक्टली 2 नॉर्मल। तो ये 1 नॉर्मल और ये आ गया हमारा 2 नॉर्मल। दैट मीन्स यहाँ पे 1 मोलैरिटी में कितना है, 2 नॉर्मल है, और यहाँ पे 1 मोलैरिटी में 1 नॉर्मल है। तो ये तो दोनों इक्वल है, यहाँ पे तो 1 मोलर इक्वल्स टू 1 नॉर्मेलिटी हो गया, क्लियर? बट इसके केस में क्या है, इसके केस में 1 मोलैरिटी इक्वल्स टू 2 नॉर्मेलिटी। दैट मीन्स 1 नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 मोलैरिटी। यही यहाँ पे इन्होंने बच्चों मेंशन भी किया हुआ है कि 1 नॉर्मल H2SO4 की बात कर लीजिए, या फिर 1 नॉर्मल कैल्शियम, ये जो है OH, ये OH- देगा ना बच्चों, और कितने देगा, 2 देगा। ठीक है, तो इनका जो सॉल्यूशन है 1 नॉर्मल का वो कितना, वो उसका मोलैरिटी कितनी होती है उसकी, 0.5। ठीक है, 1 नॉर्मेलिटी से कहने का मतलब ये है कि दोनों में, अब ये 1 नॉर्मल इसका लोगे और 1 नॉर्मल इसका लोगे तो दैट मीन दोनों में जो H+ आयन्स हैं वो इक्वल होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 1 नॉर्मल का मतलब क्या है कि इन दोनों के H+ आयन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बट आप देख सकते हैं अगर आप 1 मोलैरिटी का सोल्यूशन इसका लेंगे तो वो 1 नॉर्मेलिटी का बनेगा, और अगर 1 मोलैरिटी का सोल्यूशन H2SO4 का लेंगे तो वो कितने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का बनेगा, 2 नॉर्मेलिटी का। दैट मीन्स 2 टाइम ज्यादा होंगे H+ आयन। ठीक है,
इसी तरीके से आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि वन नॉर्मलिटी से वन मोलरिटी के बराबर है, और यहाँ पे वन नॉर्मलिटी 0.5, यानी कि अगर वन नॉर्मल का सॉल्यूशन H2SO4 का बनाना है तो उसके लिए हमें इतना मोलरिटी का बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें, ये नॉर्मलिटी, ये एसिड बेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट आप लोग को होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है जब भी हम एसिड बेस की बात करते हैं। फॉर्मेलिटी फिर आ जाते हैं। फॉर्मेलिटी बच्चों उनके लिए यूज होते हैं जिनका कोई जिनका मॉलिकुलर वेट जो है आपको क्लियर नहीं है कि क्या है, उनके लिए फॉर्मेलिटी हमारे किसी यूज का भी है नहीं। ठीक है? सो ये क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, इनको ट्राई कर लीजिएगा।